तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमें अपनी फिंगर्स को प्लेस करना है स्ट्रिंग्स पर, जिससे हमारा साउंड बहुत ही क्लियर आए, यानी बिल्कुल भी म्यूट नहीं आए। और अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो आप इस सीरीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो जो एक बिगिनर को पता होनी चाहिए। तो ये सीरीज़ मैंने सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए बनाई है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कैसे हमें अपनी फिंगर्स को प्लेस करना है जिससे हमारा साउंड बहुत ही क्लियर आए। सो दोस्तों, अभी आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि कैसे हमको गिटार को होल्ड करना है और उसके बाद में फिर हमें कैसे अपनी फिंगर्स को प्लेस करना है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो एक बिगिनर गलती करते हैं कि जब भी वो अपने फिंगर को प्लेस करते हैं तो कुछ इस तरह करते हैं। तो हमें थंब को यूज़ करना है एज अ बैक सपोर्ट और हाथ को सीधा रखना है, ऐसा नहीं रखना है, हाथ को स्ट्रेट रखना है। अगर आप फर्स्ट फिंगर यूज़ करते हो अभी, आप मतलब कंप्लीट बिगिनर हो, या फिर आप सारी फिंगर्स यूज़ करते हो, तो हमें हाथ ऐसा रखना है, ऐसा नहीं रखना है। ऐसे करके आपका साउंड सही नहीं आएगा और फ्यूचर में स्पीड भी नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हाथ सीधा रखना है, और फिर उसके बाद जब आप प्ले कर रहे हो तो कोशिश ये करनी है कि स्लो स्लो करना है और थंब को एज अ बैक सपोर्ट यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको, वो ये कि जो ये लाइंस है मेटल की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्हें हमें टच नहीं करना है, इसके बीच में प्ले करना है। अगर मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो आपको देखिएगा कि साउंड बहुत म्यूट आ रहा है, और मैं बीच में प्रेस करता हूँ तो साउंड सही आ रहा है। जैसे कि अगर मैं ऐसे प्ले करता हूँ तो साउंड क्लियर आ रहा है, अगर मैं ऐसे प्ले करता हूँ तो ये क्लियर नहीं, म्यूट आ रहा है। तो हाथ को स्ट्रेट रखना है, मेटल पे प्ले नहीं करना है, और थंब को एज अ बैक सपोर्ट यूज़ करना है। अगर आप ये तीन इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो तो आपका साउंड कभी भी म्यूट नहीं आएगा और आपकी स्पीड बिल्ट हो जाएगी दिन पे दिन। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको एक, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट आ रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है फिंगर्स से कुछ भी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कुछ और भी डाउट है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।